पांच राज्यों की विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से राजनीतिक दलों ने पूरा जोर चुनाव प्रचार पर लगा दिया है, लेकिन कोविड नियमों के बीच रैलियों और जनसभाओं का शोर कम सुनाई दे रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 31 जनवरी के बाद ये रोक हट जाए। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस ने इसी के मद्देनजर 30 स्टार प्रचारकों के नामों का ऐलान कर दिया है। कौन है कांग्रेस के स्टार प्रचारक, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए सोमवार को कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 30 नेताओं को इसमें जगह दी गई है। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम कन्हैया कुमार का है। कन्हैया को कांग्रेस ने यूपी चुनावों के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। कन्हैया के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। यूपी चुनावों के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। इस चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यूपी में कांग्रेस के दूसरे स्टार प्रचारकों में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, राज बब्बर, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, सचिन पायलट, प्रदीप जैन आदित्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इमरान प्रतापगढ़ी, धीरज गुज्जर, रोहित चौधरी और तौकीर खान भी शामिल हैं। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने 30 जनवरी तक जनसभा, रोड शो, पदयात्रा और नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा रखी है। ऐसे में सभी पार्टियां सोशल मीडिया और वर्चुअल माध्यम से प्रचार में जुटी हैं। कांग्रेस ने अब अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीद है कि चुनाव आयोग 30 जनवरी के बाद चुनाव प्रचार के लिए अपनी पाबंदियों में कुछ छूट दे सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।